दिवंगत टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी का नाम कई सालों बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हाल ही में बिग बॉस फेम और फेमस प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने खुलासा किया है कि उन्होंने प्रत्युषा को डेट किया था। हालांकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला था। विकास ने यह भी बताया था कि प्रत्युषा को उनकी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता था। विकास के दावों के बाद प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज सिंह ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई और कहा कि अगर वो जिंदा होती तो ये सुनकर विकास को एक थप्पड़ जड़ती। राहुल के बाद फेमस टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी विकास पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रत्युषा अब इस दुनिया में नहीं है कि ये बता पाए कि ये दावे सच है या झूठ। ई टाइम से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, विकास अब क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानना चाहती कि प्रत्युषा के बारे में सच लिखा है, झूठ लिखा है या तारीफ की है। लेकिन उसकी औरत की जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में अब क्यों बोलना, वो अब हमारे साथ नहीं है, वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, किसी को हक नहीं है कि उसके बारे में बात करे। विकास कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे रीजन्स होंगे, लेकिन अब जब वो हमारे बीच है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों बात करना। उससे प्रत्युषा के अलावा उस दूसरी लड़की का नाम नहीं लिया जिसे उसने डेट किया, क्यों वे सच बताने के लिए जिंदा हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए बोलने से पहले ध्यान दें। एक इंटरव्यू में विकास ने यह खुलासा किया था कि उन्होंने बालिका बधु फेम दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी को डेट किया था। प्रत्युषा को उनकी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में भी नहीं पता था, उन्हें ब्रेकअप के बाद इस बारे में पता चला था, लेकिन विकास और प्रत्युषा का रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका था और जल्द ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।